माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। जनपद बिजनौर के नेहटौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। भाजपा ने करोड़ों लोगों को राशन सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने विधायक ओम कुमार को भारी मतों से जिताकर नगीना में कमल खिलाने का आह्वान किया। मंगलवार को नेहटौर कोतवाली मार्ग पर आयोजित चुनावी जनसभा को प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर नगीना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विधायक ओम कुमार के समर्थन में संबोधित करते हुए कहा कि कई वर्ष बीत गए थे लेकिन अयोध्या में रामलला विराजमान नहीं हो पाए थे। 500 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला विराजमान हुए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में माफियाओं का राज होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन भाजपा सरकार आते ही सबसे पहले भाजपा ने माफिया राज खत्म हुआ और पूरा प्रदेश माफिया गुंडों से सुरक्षित है। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी के घर जाने पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा दलदल में डूबे दल हैं, इन्हें अच्छाई से नफरत है, माफिया अपराधियों को गले का हार बनाते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन कोई निर्दोष हिंदू दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इनके मुख से संवेदना के एक शब्द भी नहीं निकलते। हम सामान्य नागरिकों को राम राम करते हैं और माफिया अपराधियों को राम नाम सत्य। उन्होंने लोगों को भाजपा की उपलब्धि बताते हुए कहा कि भाजपा ने देश के कई करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए उनके खाते में पहुंचाए, विभिन्न प्रकार की पेंशन दी, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस दी जिससे आज की महिलाएं आसानी से खाना बना लेती हैं। भाजपा सरकार ने सभी वर्ग को सम्मान देने का काम किया है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो, सभी को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक वोट अगर सही दिशा में जाता है तो तकदीर और तस्वीर बदल देता है और अगर गलत दिशा में जाता है तो पहचान का संकट खड़ा कर देता है। उन्होंने आयोजित सभा में लोगों से विधायक ओम कुमार को भारी मतों से जिताकर नगीना में कमल खिलाने का आह्वान किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ मोहम्मद फैजान। एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है, और बहनों और भाइयों अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा बसपा कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है, दलदल में डूबे हुए लोग हैं, इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों आज हम सब आए हैं, मुझे विश्वास तो है, पक्का विश्वास है कि नगीना इस बार ओम कुमार को यहां की मणि प्रदान कर देगा। बहनों और भाइयों यही नहीं, आजादी के बाद इस देश के संविधान को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रति सम्मान का भाव इन दलों में नहीं था। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाया था और समाजवादी पार्टी 2012 में जब सत्ता में आई थी तो उसने पहले क्या कहा था, उसने कहा जितने भी ये दलितों के स्मारक होंगे उसने कहा था इनको हम तोड़वाएंगे। अब आप सोचो, बना तो नहीं पा रहे लेकिन तोड़वाने की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता देखो ना, ये बना नहीं सकते लेकिन तोड़ने की बात जरूर कर देते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करवाया और आज पूरे भव्यता के साथ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन में रह करके कार्य किया था, नागपुर की दीक्षा भूमि, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में जिस
भवन में रहे थे और जहां उनकी अंतिम लीला संपन्न हुई, ये सभी पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब गलत लोग थे, माफिया अपराधी को गले का हार बना करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और महिला भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा और अपराधी को राम राम सत्य है भी बोलेगा। एक काम एक साथ चल रहे हैं, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।